हम अगर चाहते हैं दुनिया जब इंडस्ट्री 4.0 की बात करती है तो हमें उसके जो मेन पिलर है, चाहे फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, मेडिटेक हो, इसके अनुरूप स्किल डेवलपमेंट हो, यानी 4.0 स्किल डेवलपमेंट भी जरूरत है। हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए हमें अपने सभी प्रायोरिटी सेक्टर्स में फाइनेंशियल वायबल मॉडल्स को प्राथमिकता देनी होगी। आज देश की जो एस्पिरेशंस है, देश जिन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, देश की जो प्राथमिकता है, उसमें हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी अहम है। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। इसका एक उदाहरण पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की सफलता में आपका केंद्रीय रोल है। देश के संतुलित विकास की दिशा में भारत सरकार की योजनाएं जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, देश में करीब 100 से अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं जो राज्य की एवरेज से भी पीछे हैं, तो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां के कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको प्रायोरिटी दे करके, ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो भी पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा देश, हम देखें तो पश्चिम हिंदुस्तान बहुत सी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नजर आती है, पूर्वी हिंदुस्तान है जहां सब प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आर्थिक विकास के दृष्टि से वहां स्थिति बहुत सुधर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर सकता है। हम पूर्वी भारत के विकास के लिए उसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास,
ये ऐसी चीजें हैं जिसने हमने ज्योग्राफिकली हम देखें तो हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में आपकी सहभागिता बढ़ाने की दिशा में भी विचार करना जरूरी है। आज भारत की एस्पिरेशंस हमारे एमएसएमईज की मजबूती से जुड़ी है। एमएसएमईज को मजबूत बनाने के लिए हमने बहुत से फंडामेंटल रिफॉर्म्स किए हैं और नई योजनाएं बनाई हैं। इन रिफॉर्म्स की सक्सेस इनकी फाइनेंसिंग को स्ट्रेंथन करने पर निर्भर है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 तब तक हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट आने में समय जा सकता है, तो इसको बचने के लिए क्या करना होगा? हम अगर चाहते हैं, दुनिया जब इंडस्ट्री 4.0 की बात करती है तो हमें उसके जो मेन पिलर है, चाहे फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, मेडिटेक हो, इसके अनुरूप स्किल डेवलपमेंट हो, यानी 4.0 स्किल डेवलपमेंट भी जरूरत है। जैसे जो मेन पिलर है उन पिलर को भी 4.0 के लाइट में हम डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं? ऐसे अनेकों क्षेत्रों को वित्तीय संस्थाओं की मदद इंडस्ट्री 4.0 से वो में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, आपने देखा है कि जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है ओलंपिक में तो देश का नाम किस तरह दुनिया में रोशन होता है, देश में भी कितना बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मेडल तो एक व्यक्ति लाता है लेकिन पूरा माहौल बदल देता है। क्या हम देश में इस ऐसे अनुभवों से सोच नहीं सकते हैं कि हम कोई 8 या 10 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करें और हम उसमें ताकत लगाएं और भारत उन सेक्टर में पहले 3 में नंबर ले सकता है क्या? ये प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से होगा। अब जैसे भारत में जो क्या ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियां नहीं हो सकती हैं जो दुनिया की टॉप 3 में उनका नाम हो, कि इसी तरह के हमारे स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में तो हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसका जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, क्या हमारे स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल स्टार्टअप्स टॉप 3 के अंदर हम जगह बना सकते हैं क्या? अभी हमने ड्रोन सेक्टर को ओपन किया है, स्पेस सेक्टर को ओपन किया है, जियो स्पेशल सेक्टर को ओपन किया है। ये बहुत बड़े नीति विषयक निर्णय हुए हैं जो एक प्रकार से गेम चेंजर है। क्या इसमें भारत के नई पीढ़ी के लोग स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, ड्रोन में आ रहे हैं, क्या उसमें भी हम दुनिया के टॉप 3 में जगह बनाने का सपना नहीं देख सकते क्या?